सो दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप लोग बहुत सारे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मेरा 5-6 नंबर बेटिंग था वो कन्फर्म नहीं हुआ और मेरा दोस्त का जो है 20-20 नंबर तक की बेटिंग कन्फर्म हो गया। और मैंने 3 महीना पहले बुक किया था, 5-6 नंबर बेटिंग थी, 5-6 नंबर ही बेटिंग रह गई, कन्फर्म बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन मेरा दोस्त जो है 1 महीना पहले ही 50 नंबर तक की बेटिंग बुक किया था, उनका कन्फर्म हो गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार 5-6 नंबर तक की बेटिंग टिकट क्यों नहीं कन्फर्म हुई और जबकि 50 नंबर तक की बेटिंग टिकट क्यों कन्फर्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बेटिंग किस तरीके से और कब तक कंफर्म हो जाती है, मैं सारे एक्सप्लेन कर देने वाला हूं। सो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग के काफी सारे कमेंट्स आते रहते हैं और दोस्तों उसका मैं रिप्लाई देते रहता हूं। दोस्तों, कभी कभी संभव नहीं होने की वजह से मैं आपका रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वेटिंग लिस्ट टिकट मात्र 2 तरीके से ही कंफर्म हो सकती है, इसके अलावा कोई तरीके से और कंफर्म नहीं की जा सकती है। जब हम लोग आम जनता उस ट्रेन में वेटिंग टिकट बुक करते हैं, तब दोस्तों मात्र 2 तरीके से ही वेटिंग टिकट कंफर्म हो सकती है। दोस्तों, पहला तरीका क्या है कि अगर कोई भी कंफर्म टिकट उस कोटे के अंदर, जिस कोटे में आपने वेटिंग टिकट लिया है, जिस दूरी की आपने टिकट लिया है, उस दूरी के अगर कोई बंदा कंफर्म टिकट को कैंसिल करेगा, तब दोस्तों आपका वेटिंग टिकट कंफर्म होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर उस दूरी कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं एक्यूरेट नहीं कह रहा हूँ कि इस दूरी, मैं आपका ये समझाने चाह रहा हूँ कि मान के चलिए GNWL आप लोग जानते होंगे, RLWL टाइप जानते होंगे, PQWL टाइप जानते होंगे। दोस्तों, इन तीन तरीके की वेटिंग टिकट होती है। इससे पहले दोस्तों, जब सीट खाली रहता है, तब दोस्तों आपको नहीं पता होता कि ये GNWL है, RLWL, PQWL है। जब दोस्तों वेटिंग में जाता है, तब दोस्तों आपको वेटिंग टिकट कटने के बाद दोस्तों आपको नंबर मिलता है और उन नंबर के पहले दोस्तों होता है लिखा हुआ PQWL नंबर, RLWL नंबर, GNWL नंबर। तो दोस्तों, अगर आपका GNWL नंबर है, तब दोस्तों अगर उससे पहले जब सीट खाली था GNWL के अंदर, तब दोस्तों अगर कोई GNWL वाला जो सबसे पहले कंफर्म टिकट लोग बुक किए हैं, अगर वो कोई एगो टिकट कैंसिल करेगा, तब दोस्तों अगर आपका GNWL 1 लिखा है, आपका टिकट कंफर्म होने से कोई नहीं रोकेगा, आपका टिकट सबसे पहले कंफर्म हो जाएगा। अब दोस्तों कोई दूसरा बंदा कोई टिकट कैंसिल करेगा, तब दोस्तों GNWL 2 वेटिंग लिस्ट जो है लिखा हुआ वो भी कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों, ये हुआ पहला तरीका कि अगर कोई कंफर्म टिकट उसी कोटे के अंदर टिकट को कैंसिल करेगा, तब दोस्तों आपका वेटिंग टिकट डायरेक्ट कंफर्म होगा। दोस्तों, अब हम दूसरा बात कर लेते हैं कि अब किस तरीके से कंफर्म होती है। तो दोस्तों, उस कोटे के अंदर इंडियन रेलवे सीट पहले से कुछ रिजर्व रखती है, लेकिन दोस्तों ट्रेन चार्ट बनने तक अगर वो कोटे फुल नहीं होते हैं, तब दोस्तों वेटिंग टिकट कंफर्म की जाती है। ये दो ही तरीके होते हैं इंडियन रेलवे में वेटिंग टिकट कंफर्म करने की। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि वेटिंग लिस्ट 1 आपका कंफर्म हो जाएगा, तो दोस्तों इसका मतलब आप मान सकते हैं कि वो टिकट RAC में भी जा सकता है, क्योंकि दोस्तों पहले RAC में जाता है GNWL, उसके बाद ही कंफर्म होता है। तो दोस्तों, ये बात नॉर्मल है, आप सभी लोग जानते होंगे। दोस्तों, यहाँ से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। मान के चलिए कि उस ट्रेन में आपने जब 50 नंबर की वेटिंग टिकट ले लिया, तब दोस्तों आपका वो 50 नंबर तक की वेटिंग टिकट कब कन्फर्म होगा। दोस्तों, 50 नंबर तक की वेटिंग टिकट सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका कौन सा वेटिंग नंबर है, मतलब दोस्तों किस टाइप का है, GNWL है, RLWL है, PQWL। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं और मैंने काफ़ी बार बताया हुआ कि कौन सबसे पहले कंफर्म होता है, GNWL, उसके बाद RLWL, उसके बाद PQWL। तो दोस्तों, अगर आपका 50 GNWL है, तब दोस्तों कन्फर्म होने का मात्र 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका, अगर कोई 50 लोग टिकट जितना भी कन्फर्म कोई काटा है, या फिर दोस्तों अगर कोई RAC वाला भी 50 को टिकट कैंसिल कर देगा, 50 वेटिंग टिकट सीधे कन्फर्म हो जाएगा, मतलब RAC में भी जा सकता है। तो दोस्तों, यह हुआ पहला तरीका। अब दोस्तों, एक ट्रेन के अंदर मैंने जैसा कि पहले बोल दिया था, अलग अलग तरह के कोटे होते हैं, जैसे कि दोस्तों 6 तरीके के कोटे आप जानते हैं, 6 तरीके के कोटे और होते हैं जो कि आपको नहीं पता होता है, वो इंडियन रेलवे पहले से ही रिजर्व रखती है। अब मान के चलिए दोस्तों 6 तरीके के कोटे में सीट कोई बुक नहीं करवाया, वो लोग अलग अलग लोगों के लिए टिकट बुक होते हैं, MLA, मिनिस्टर, मंत्री जी लोग के लिए, और दोस्तों एयरफोर्स ने भी, मतलब अलग अलग सभी प्रकार के लिए। दोस्तों, वो लोग अगर टिकट उस ट्रेन के अंदर बुक नहीं करवाएं, तब दोस्तों जितना वेटिंग नंबर है, दोस्तों ट्रेन चार्ट बनने के बाद सब वेटिंग टिकट कन्फर्म की जाती है। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आपने कभी ना कभी सीनियर सिटीजन में टिकट बुक किया होगा। दोस्तों, मान के चलिए कि 20 दिसंबर को अगर आप ट्रेन सर्च करेंगे पटना से न्यू दिल्ली, मान के चलिए संपूर्ण क्रांति ट्रेन है, आप सर्च कीजिए, उस ट्रेन में जनरल में सीट खाली नहीं होगा, वेटिंग लिस्ट होगा। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे किस में, सीनियर सिटीजन में, तो आपका सीट खाली हो वहाँ पर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि 20 दिसंबर आ गया और दोस्तों जनरल में तो सब फुल है, वो तो वेटिंग लिस्ट है, और अब मान के चलिए कि सीनियर सिटीजन में सीट खाली रहा, कोई बुक किया ही नहीं उस कोटे के अंदर, तो उस सीट खाली रहा तो उसका क्या होगा, जितना वेटिंग लिस्ट है ना GNWL, वो सारा का सारा टिकट कन्फर्म हो जाएगा। सो दोस्तों, कभी कभी यही होता है कि आपका कभी कभी 10-20 भी वेटिंग टिकट रहता है और आपने 2 महीना पहले से ही वेटिंग टिकट काट रखा है, लेकिन दोस्तों उस डेट के अंदर बाकी जितने सारे कोटे थे
इंडियन रेलवे पहले से सीट रिजर्व रखते थे उस सब कोटा फुल ही हो चुका है, और अगर कोई टिकट कैंसिल भी नहीं करवा रहा है तब दोस्तों आपका 10 भी 20 भी वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है 500 वेटिंग टिकट चलते रहता है, 500 नंबर वेटिंग टिकट चलते रहता है, लेकिन दोस्तों उस डेट के अंदर उस कोटे में अपना लोगों ने टिकट बुक नहीं करवाया तब दोस्तों जितना भी खाली सीट रहेगा आपका वेटिंग टिकट कन्फर्म कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा सीजन में ज़्यादातर होता है, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपना कोई कंफर्म टिकट कैंसिल ना करवाए। दोस्तों हर ट्रेन के अंदर कंफर्म टिकट कोई ना कोई लोग कैंसिल टिकट जरूर करवाते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों अगर आप वेटिंग भी टिकट काटते हैं तब दोस्तों वेटिंग भी टिकट कैंसिल होती है तब दोस्तों वेटिंग नंबर घटता है। मतलब दोस्तों मान के चलिए 150 तक की वेटिंग है, अब दोस्तों पहले से 5 तक की वेटिंग टिकट अगर कोई काटा हुआ है अगर वो कोई टिकट वेटिंग 1 से 5 कैंसिल कर देगा तब दोस्तों 6 से लेकर जब 50 तक है वो घटकर कहाँ से आ जाएगा 1 से 45 तक। तो दोस्तों अगर कोई वेटिंग टिकट भी कैंसिल करवाता है तब दोस्तों वेटिंग नंबर टिकट घटता है, और अगर कोई दोस्तों कंफर्म या फिर आरएसी वाले टिकट अपना कोई कैंसिल करे तब दोस्तों वेटिंग टिकट कहाँ जाएगा आरएसी होकर और आरएसी वाला जाएगा कंफर्म में को। तो दोस्तों इसी तरीके से साइकिल चलते रहता है। तो दोस्तों आप लोग के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्या सिर्फ GNWL वाला वेटिंग टिकट ही कन्फर्म होता है, क्या RLWL या फिर PQWL टाइप वेटिंग टिकट कंफर्म ये सब नहीं होती है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सभी टिकट कंफर्म होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सबसे पहले GNWL कंफर्म होती है, उसके बाद दोस्तों RLWL और PQWL। दोस्तों ये सब आप जानते हो। तो दोस्तों बस यही दो तरीके हैं मेरे तरीके से वेटिंग टिकट कन्फर्म करने की, क्या दोस्तों और तरीके भी हैं आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तत्काल जय हिंद, जय भारत।